वर्तमान समय में शराब पीने का फैशन सा हो गया है। किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या उत्साह के कार्य में शराब न परोसी जाए तो शायद ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है। इसका जीता जागता उदाहरण शराब ठेकों से मिल रहा है। हर साल शराब बिक्री में करोड़ों रुपए का इजाफा सामने आ रहा है। पिछले साल की तुलना में इस साल 20% अधिक का राजस्व मिलने की संभावना है। हालांकि छतरपुर जिला मुख्यालय के चौबे तराहा की दुकान 23% अधिक राजस्व में ली गई है। आबकारी विभाग के सूत्रों ने बताया कि जिला मुख्यालय के 4 समूहों को 2 समूह में बदल दिया गया है। शनिवार को खोले गए टेंडरों के मुताबिक चौबे तराहा समूह का ठेका करीब 23% अधिक राशि के साथ 32,97,95,878 रुपये में आकाश राय ने लिया है। वहीं बस स्टैंड की शराब दुकान का ठेका मैंड स्टोन टेंडर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 30,52,00,000 रुपये में हासिल किया है। इसी तरह घुआरा की दुकान 13 करोड़ में सुनीता राय को, लवकुशनगर की शराब दुकान मेसर्स KDI ग्रुप को 11 करोड़ में, नौगांव इंग्लिश 11,26,00,000 रुपये में पंकज राय को तथा चंदला की शराब दुकान मैंड स्टोन टेंडर्स को 8,91,00,000 रुपये में मिली है। इसी तरह नौगांव देशी 9,04,00,000 रुपये में आरती शिवहरे को, ईशानगर 9,46,00,000 में नरेश राय को व बमीठा 8,52,00,000 रुपये में आरती शिवहरे को शराब दुकान मिली है। अभी जैसे कि आप जानते हैं, आज टेंडर ओपन करने के लिए शासन द्वारा निर्धारित समय किया गया था 3:30 बजे। ठीक 3:30 बजे हम लोगों ने टेंडर ओपन किए हैं। ओपन करने के बाद में हमने अभी तक हम 2 ग्रुप खोल पाए हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि चौबे तिगड्डा और जो टाउन के दोनों ग्रुप हैं, इनके ऊपर हमें ऑफर प्राप्त हुआ, इनके हम खोल पाए। बाकी के अभी कंटिन्यूस प्रोसेस में है। हम डिप्टी कमिश्नर साहब सागर से आए थे, इसके लिए विशेष रूप से समिति सदस्य कलेक्टर महोदय की अनुमति से हम लोगों ने टेंडर प्रक्रिया स्टार्ट की थी। चूँकि अभी सर्वर डाउन है, इसलिए हम लोग रुकी हुई है प्रक्रिया। हमको उम्मीद है कि पूरे ज़िले में कम से कम हम जो जितने ग्रुपों में टेंडर आए, 15 ग्रुपों में, हम पिछले वित्तीय वर्ष से औसतन कम से कम हम 15-20% की ग्रोथ लेंगे। अभी कौन कौन से जगह के? अभी सिर्फ 2 हुए, टाउन के दोनों ग्रुप क्लियर हो गए हैं, और एक में 23% की ग्रोथ है और एक में 18% की ग्रोथ है।